हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब कोई अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी अभी हम आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं कि अभी अभी डीजीटी एनसीबीटी ने एक लेटर सारे आईटीआई को जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले 28 जुलाई और 14 अगस्त के बीच में 18, 20 और 19, 21 के बच्चों का एग्जाम का शेड्यूल दे दिया गया है, जिसमें बैंक में जो बच्चे अब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट जो भी बच्चे फेल हैं, वो भी इस एग्जाम में अपियर होंगे और वो अपना अपना पेपर देंगे। तो डीजीटी ने यह घोषणा कर दिया है कि 28 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन यह अभी क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जाम जो होगा वो OMR बेस पे होगा या ऑनलाइन होगा। यह तो क्लियर हो गया है कि एग्जाम 28 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में होगा, लेकिन यह क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जाम आपका OMR बेस होगा या ऑनलाइन होगा। इसलिए बी केयरफुल और आप अपना तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम और डीजीटी के ऊपर है, वो ऑनलाइन भी ले सकता है और ऑफलाइन भी ले सकता है, और व्यवस्था हुआ तो वो आपका ऑनलाइन भी ले सकता है, और व्यवस्था नहीं हुआ तो ऑफलाइन एग्जाम होगा। लेकिन आप लोगों से खास निवेदन है कि आप लोग अपना अपना जो भी तैयारी है वो तैयारी करते रहिए, तैयारी छोड़ना नहीं है और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जॉब या कहीं या जो कंपनी आएगी कैंपस में सिलेक्शन करके आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज जो डीजीटी की तरफ से यही न्यूज़ मिला है, बाकी आपका जो भी न्यूज़ चाहिए तो आप अपने ITI में फ़ोन करके वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि हाँ वहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है या फिर वहाँ पे हॉल टिकट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पिछले बार हॉल टिकट के लिए फॉर्म भरा गया था वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी आपको अपना अपना ITI वाले देंगे। तो आप अपने ITI से कनेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे और जाकर वहाँ बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को बताएं जिनका जो एग्ज़ाम है या फिर जो फेल किए हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।